किचन दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी मसाला। चलिए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो भिंडी, जिसको हमने धो के बीच से कट लगा दिया है इस तरह सारे भिंडी को। अगर भिंडी बड़े हो तो आप 2 भाग में भी बांट सकते हैं, 2 टुकड़ों में। अगर छोटे हो तो इस तरह कर लिया है। चढ़ा दिया कढ़ाई, उसमें तेल डाल दिया है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे आलू। आलू फ्राई करके निकाल लेंगे। चौथाई चम्मच डाल देंगे नमक, इसके अंदर आलू के अंदर चला जाएगा। इसे डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और इसको इस तरह फ्राई कर देंगे। जब हम इसमें आलू निकाल देंगे कढ़ाई से, देखिए इस तरह फ्राई कर लेना है आलू को, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने काट के डाल देंगे भिंडी, भिंडी पानी वाली नहीं डालेंगे। आज के हमने पंखे के नीचे रख दिया था। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ढाई चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। गैस बंद कर देंगे। इस तरह से फ्राई कर लिया है, आप भी कर लेंगे इस तरह से। अब हमने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल 2 चम्मच है, 1/2 चम्मच। देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम फ्लेम कम कर देंगे फ्लेम को। अब इसमें डालेंगे 5 फोरन और जीरा, 2 साबुत मिर्ची। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें थोड़ा इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन का स्मेल खत्म हो जाए, फिर डालेंगे प्याज का पेस्ट। फिर प्याज 2 मिनट के लिए भून के लाइट कलर हो जाए। प्याज भी मेरा रेड कलर हो चुका है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आप डाल देंगे। घर का बना हुआ है मिर्ची, तो इसमें 1 ही चम्मच डाल रहे हैं, तीखी वाली है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, एक मिनट के लिए चलाते रहेंगे। डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, डाल देंगे थोड़ा पानी।
लाल मिर्ची का दरदरा पाउडर वो डाल देंगे, इससे सब्जी में अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा डाल देंगे पानी, डालेंगे नमक, आलू में भी डाल रखा है, भिंडी में भी, इसलिए कम ही डालेंगे इसमें। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कितना अच्छा भून के तैयार हो चुका है। एक चम्मच दही है जिसको हमने फेंट लिया है मिक्सर में। हमारा मसाला अच्छा से भून चुका है, तेल छोड़ दिया है, देखिए कितना अच्छा भून के तैयार हुआ है। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है भून के, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसी तरीके से आप भी मसाला को तैयार करें भून के। अब डालेंगे आलू, डाल देंगे भिंडी जिसको हमने फ्राई कर रखा है, दो मिनट के लिए फिर चलाते रहेंगे मसाला जब तक चिपक न जाए इसमें। इस तरह से मसाले में डाल के भिंडी और आलू को दो मिनट के लिए भून देंगे। थोड़ी सी डाल देंगे पानी कि नीचे मसाला सटे नहीं। तो दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के छोड़ देंगे, बीच में खोल खोल के देखते भी रहेंगे। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, बड़े बड़े काट के हमने रख लिया था, और इसके अंदर के बीज को हमने पेस्ट बना लिया था, हाँ जो हम पहले डाल चुके हैं। दो मिनट हो गया है, देखिए हमारा सब्जी भुन चुका है, कितना अच्छा भुन के तैयार हो गया है। देखो इस तरह से मसाला जब चिपक जाए सब्जी से तो सब्जी भुना गया है। अब इसमें डाल देंगे आधे गिलास पानी, भिंडी भी गल चुका है, बस थोड़ा इसमें पानी डाल दिए हैं, इसको सूख बैठा देंगे ऐसे। पानी डालने के बाद आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, नमक ढाक दे रहे हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गया है खोल के, 10 मिनट हो गया खोल के देख रहे हैं। देखिए सब्जी तैयार हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे, बंद करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर निकाल देंगे। हमारा भिंडी मसाला बनके तैयार हो चुका है, देखिए इसी तरह बनाए हमें आले तरीके से एक बार, बहुत अच्छा बनता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और पूरे वीडियो देखे इस तरह बनाने के लिए, आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।